डिस्कस कर लिया और हेमिस्फीयर की तरफ हमने लोब्स बनाए थे, तो ये सारे हमने लोब्स इसको अलग अलग डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं डायसेक्शन व्यू। अब हम जब अगर बीच में उसको डायसेक्ट करेंगे तो उसके बीच का व्यू कैसा होगा, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ रहेंगी। फर्स्ट जैसे हमने अगर हमने डायसेक्शन किया है तो हमने इसके भी तीन पार्ट अलग अलग कर लिए। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज हाइंड ब्रेन एंड थर्ड इज मिड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन में हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगी, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बस ये तीन चीज़ आ रही है। अब इन तीन चीज़ों का सेरेब्रम का मैंने आपको ये पूरा डिस्कस कर दिया। थैलेमस का काम ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी मेंटेनिंग ऑफ के लिए सॉल्ट के लिए हमारे वाटर इन सबको मेंटेन हमारे मतलब हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है। सेकंड हमारे पास आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ये है कि हमारे ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर इन सब चीज़ों को कंट्रोल, इसका ही मतलब बॉडी मेंटेनेंस में काम भी काम देता है। अब हम आते हैं इस पर, अब हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ऐसा कोई अलग से कोई पार्ट्स नहीं है ना, मिड ब्रेन का बस ये काम है, ये इस एक्ट एज अ कोलैबोरेटर, मींस जो स्पाइनल कॉर्ड के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर वो हमारे फोर ब्रेन तक पहुँचाता है, इसका ये काम है। थर्ड है हमारा हाइंड ब्रेन। हमारे पास तीन चीज़ आ गई, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मूवमेंट ऑफ मसल एंड मेंटेनिंग ऑफ बैलेंस, ये भी काम कर रहे हैं। और जो हमारे पॉन्स हैं ये काम कर रहे हैं वे अभी सोना, गुस्सा जाना इस टाइप की चीज़ें। और बाकी जो ये मेड्यूला है, मेड्यूला हमारा इनवॉलंटरी रिएक्शन मींस जो रिएक्शंस हम खुद से परफॉर्म मतलब हमारी मैं कहना चाह रही हूँ मतलब हम लोग हमारा हम लोग हम पर हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद ब खुद हो जा रहा है। जैसे सांस लेने का अमल, ब्रीथिंग होने का अमल, डाइजेशन फूड, वो हमारे अंदर हो रहे हैं, हम खुद से नहीं परफॉर्म। ये बताया था शिक्षक। अब हम बात कर देंगे, अब जब हमने ये ब्रेन स्टेम हो गया, अब हम जब ब्रेन स्टेम से नीचे आएंगे तो ये हमारा नर्वस कॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों में मशगूल होता है, फर्स्ट ब्रेन एंड सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगे तो हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इट इज अ कैपुलर नर्व बंडल दैट एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन ब्रेन टू नर्व वेल। ये एक कैपुलर नर्व बंडल है, नर्व का एक बंडल है जो ब्रेन स्टेम से शुरू हो रहा है और ये नीचे तक लोअर बैक तक हमारे जा रहा है। अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात साइज की बात कर लेते हैं, इसका साइज 40 सेंटीमीटर होता है वैसे रफली जितना मतलब पता लगाया गया है। और बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थिक होता है, लॉन्ग होता है और थोड़ा वाइटिश और ग्रे कलर का होता है। बाकी अब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे ब्रेन में प्रोटेक्शन दी गई थी तो हमारा स्कल था, स्कल और मेनिंजीज के लिए एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजीज के, तो इसमें हमें वर्टिकल कॉलम की प्रोटेक्शन की बताया गया है। ये हमारा वर्टिकल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की ले जा रही थी। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन ये है कंट्रोल बॉडी बॉडी मूवमेंट। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन है ये कंट्रोल बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है।